दोस्तों आज मैं आपका एक सबसे बड़ा डाउट जो है वो क्लियर करने वाला हूं कि काफी सारे लोगों के डाउट होते हैं कि सर हम अपने नंबर को अगर वेरीफाई करते हैं अपने चैनल से तो हम आखिर कितने चैनल वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे पास हमेशा कमेंट आते हैं और हमेशा मैं सोचता हूं कि चलिए लोगों को पता चल जाएगा, मैं इनको बता दूंगा। मैं मैसेज का रिप्लाई दे देता था, हमेशा रिप्लाई दे देता कि इतने चैनल वेरीफाई होंगे, ऐसे होगा। लेकिन आज फाइनली मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर एक मोबाइल नंबर से आप कितने चैनल वेरीफाई कर सकते हैं। एक कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं। काफी सारे लोगों के डाउट होते हैं कि अगर वो नया चैनल बनाते हैं, मोबाइल नंबर एक होता है, तो आखिर वो कितने चैनल वेरीफाई कर सकते हैं अगर वो दो तीन चैनल उनके पास है। तो आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा। दोस्तों यहां पर आप एक स्क्रीन शॉट दोस्तों देख सकते हैं कि ये इस स्क्रीन शॉट में आप देख सकते हैं, यहां पर जब आप अपने चैनल को वेरीफाई करते हैं, वेरीफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बता दूं। जब आप एक नया चैनल तो बना लेते हैं लेकिन आप अपने चैनल पर वहां पर कस्टम यूआरएल या फिर कस्टम थंबनेल या फिर 15 मिनट से ऊपर की वीडियो या फिर लाइव स्ट्रीमिंग बिना वेरिफिकेशन के आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से अपने चैनल को वेरीफाई करना पड़ता है। वेरिफिकेशन में आपको अपना नंबर देना पड़ता है। जब आपका चैनल वेरीफाइड होगा आपके नंबर से, तभी आप वहां पर 15 मिनट से ऊपर की वीडियो, लॉन्ग वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं, साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर एनेबल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कंटेंट आईडी क्लेम का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर एक डाउट आता है कि हम अगर हमारे पास तीन चैनल बनाना और नंबर एक है तो क्या हम तीनों चैनल को एक नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं आज की डेट बात करूं तो आज की डेट में आप नहीं कर सकते। आज से पहले जब हम लोग स्टार्टिंग में कुछ दिन पहले एक मोबाइल नंबर से काफी चैनल वेरीफाई हो जाते थे, उसकी कोई काउंटिंग नंबर मैं नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि काफी सारे चैनल हो जाते, किसी के तीन हो जाते थे, किसी के चार हो जाते थे। लेकिन अगर मैं आज की डेट की बात करूं, आज यूट्यूब के नए अपडेट के बारे में बताऊं, नई जो उसमें सेटिंग्स हैं, क्या उनका नया अपडेट आया है, उसमें यहां पर आप खुद देख सकते हैं कि स्क्रीन शॉट है। ठीक है, यहां पर ये एक नंबर है ऑलरेडी दो चैनल पर लगा हुआ था। अगर यहां पर तीसरे चैनल पर यहां पर इनका नंबर डाला गया, यहां पर एक मैसेज आया, दिस नंबर इज एसोसिएटेड विथ टू मेनी चैनल्स। काफी चैनल पे ये नंबर लगा हुआ है। ओनली टू चैनल्स कैन वेरीफाइड पर फोन नंबर पर ईयर। इसका मतलब समझे कि आप सिर्फ दो चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं एक नंबर से इन एक साल के अंदर, एक ही साल के अंदर। अगर एक साल बाद अगर वेरीफाई करेंगे तो फिर से आप कर पाएंगे उसी नंबर से अदर चैनल्स को, मतलब वहां से नंबर ऑफ चैनल जो है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन एक साल के अंदर एक नंबर से आप सिर्फ दो ही चैनल को वेरीफाइड कर सकते हैं। और यहां पर नीचे इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट में आप देख सकते हैं, अप टू टू चैनल्स कैन वेरीफाइड पर फोन नंबर पर ईयर। अब आपको समझ गए होंगे कि जितने भी सारे लोग डाउट होता है मेरे पास हमेशा आया है, आप लोग परेशान होते हैं, खोजते हैं लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो आज मैंने आपको फाइनली बता दिया कि एक मोबाइल नंबर से सिर्फ दो चैनल एक साल के अंदर वेरीफाइड कर सकते हैं। एक साल के अंदर, जब दूसरा साल एक साल खत्म हो जाएगा इसके बाद फिर आप कर पाएंगे। तो आई होप गाइस कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ना तो आप एक नंबर से 10 चैनल वेरीफाई कर पाएंगे, ना 50, ना 100। अब सिर्फ आप दो ही कर सकते हैं एक साल के अंदर, वो भी एक साल। अगर दूसरा साल होता है तो फिर आप वेरीफाई कर पाएंगे। तो आई होप गाइस कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को प्यार और सपोर्ट देके सब्सक्राइब जरूर कर लें, कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।